हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में। इससे पहले मैंने अपनी दो वीडियो में अरहीनियस और ब्रोनेस्टड के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, तो आप वो वीडियो जाके देखिए, मेरे अच्छे वीडियो हैं, तो आप लोगों की शायद समझ में आए। तो लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लुईस कॉन्सेप्ट यह बताता है कि बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे इसको, अमोनिया, अमाइंस, ईथर, वाटर, ये क्या है? लुईस बेस के एग्जांपल हैं। और लुईस एसिड के एग्जांपल कौन है? BF3, AlCl3, FeCl3 एक्सेट्रा। तो इधर समझने के लिए दोस्तों देखिए, लुईस बेस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा BF3 को, और ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, और इधर एक क्या बनता है? एडिशन कंपाउंड बनता है। तो ये इधर है दोस्तों समझने के लिए, लुईस बेस और लुईस एसिड। एडवांटेजेस ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट के इसके लाभ क्या हैं? दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो इंक्लूड दोस रिएक्शन इन विच नो प्रोटोन आर इन्वॉल्व। इट एक्सप्लेन्स बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलिक ऑक्साइड एंड एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स। एसिडिटी एंड बेसिडिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन। कंपाउंड की एसिडिटी और बेसिडिटी टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। हेंस ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ कैन नॉट बी फिक्स्ड। जनरली एसिड बेस रिएक्शन आर, अब यहाँ का थोड़ा सा मिस है दोस्तों, बट मैनी लुईस एसिड एंड लुईस बेस रिएक्शन आर स्लो, धीमी होती हैं लुईस एसिड और लुईस बेस रिएक्शंस। डबल बिहेवियर ऑफ वाटर, इसमें क्या समझना है? इसमें यह समझना है कि जो वाटर होता है वो एसिड की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको, H2O और यहाँ पे अमोनिया दी गई है। अब यहाँ पे बेस है ये, नहीं सॉरी दोस्तों, ये H2O एसिड है और ये अमोनिया बेस है। ये एसिड कैसे है ये समझेंगे। एसिड क्या करेगा, H2O क्या करेगा? एक प्रोटॉन अमोनिया को देगा, तो जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र करता है वो एसिड होता है, इसलिए H2O एसिड हो जाएगा, और जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। अमोनिया ने एक्सेप्ट किया इसलिए ये बेस है। तो ये एसिड है NH4, क्योंकि ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र, इससे प्रोटॉन निकल रहे हैं, और ये बेस है क्योंकि इसके पास प्रोटॉन की कमी है, एक मिलेगा इसको तो वाटर बनेगा। H2O, HCl, इसमें क्या होगा? ये बेस, ये एसिड। अब ये यही वाटर बेस की तरह काम करेगा और ये एसिड की तरह काम करेगा। कैसे? अब इसमें HCl क्या करेगा, इनको एक देगा H2O को, तो H3O+ ये एसिड हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक ज़्यादा है, ये एक दे सकता है किसी को। ये Cl क्या हो जाएगा, ये Cl बचा, Cl बेस है क्योंकि इनके पास एक प्रोटॉन की कमी है। डबल बिहेवियर ऑफ वाटर एक्सप्लेन्स एल्कलीन, एसिडिक एंड न्यूट्रल बिहेवियर ऑफ एक्वस। आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या है इनका। Importance of acid and bases in pharmacy. Acid base neutralization reaction take place in many properties preparative procedures. Acids base are used in many analytical procedures. They are used as therapeutic agent in ये थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रल एंड एडजस्टमेंट ऑफ pH ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ये न्यूट्रल ही लिखा है, ट्रैक्ट बॉडी फ्लूड एंड यूरिन। कंजुगेट पेयर्स ऑफ एसिड एंड बेस, कंजुगेट पेयर्स की हमने बात की थी, तो जो कंजुगेट पेयर होते हैं एसिड और बेस के, वो किस में यूज़ होते हैं? बफर्स में यूज़ होते हैं। तो बफर्स क्या होते हैं ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।